नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राम और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ट्रू फॉल्स रिव्यू, जिसमें आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Realme Buds Air Neo की, जो कि हमने मंगाया है Flipkart से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर हमारे पास मौजूद है Realme Buds Air Neo का बॉक्स, जिसके ऊपर कुछ फीचर्स इन्होंने दे रखे हैं, यानी कि कंपनी ने जो स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं इसके ऊपर प्रिंट है, वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, फिर इस बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे और जानेंगे बाकी की जो डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैं बता दूं, इन्होंने दे रखा है सुपर लो लेटेंसी पावरफुल RI चिप, जो कि गेमिंग में काम करती है। कैसे करती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके अलावा डायनेमिक बेस बूस्ट 13mm लार्ज ड्राइवर दिया गया है, जो कि बेस की क्वालिटी को काफ़ी बढ़ा देता है। इसके अलावा ओपन ऑटो कनेक्शन गूगल फास्ट पेयर दिया गया है। इसके अलावा ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है और एडवांस ऑडियो कोडिंग के लिए, जो कि आपकी ऑडियो को बहुत फास्ट ट्रांसफर कर देगा, और उसकी भी बाद में करूंगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट टच कंट्रोल दिए गए हैं, इंटेलिजेंट वॉइस असिस्टेंट भी इसमें साथ में है, और इसके अलावा 17 घंटे का बैटरी बैकअप है, जो कि 2 घंटे में आप इसे चार्ज कर सकते हैं और 17 घंटे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल डे बैटरी लाइफ, 17 घंटे का प्लेबैक कर सकते हैं, यानी कि 17 घंटे तक आप इसे नॉन स्टॉप यूज कर सकते हैं एक बार चार्ज करने के बाद। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्स में नीचे बारकोड वगैरह दिया गया है। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि ये बॉक्स के अंदर किस तरीके का प्रोडक्ट निकलता है। तो यहाँ पर हमने इसकी बॉक्स को ओपन कर लिया और इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार पैकिंग में ये ईयरबड्स दिए गए हैं, और इसके अलावा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं हैं। और इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर एक शानदार सी पैकिंग है, जो कि इसको मतलब रास्ते में खुल ना जाए या कोई चीज़ दिक्कत ना हो, उसके लिए पैकिंग कर दी गई है। तो इस पॉलीथीन को भी इसके ऊपर से हटा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी पैकिंग को हटा दिया है, और यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटा सा बटन दिया गया है इसके अंदर, क्योंकि इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर जो चार्जिंग पोर्ट है वो यहाँ पर नीचे की तरफ दे दिया गया है, और इसके कुछ फीचर्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो इन्होंने इसकी वेबसाइट पर मेंशन कर रखा है। उसके बाद इस बॉक्स के अंदर और क्या क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ, इसमें इनबिल्ट माइक दिया गया है, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है, वायरलेस रेंज 10 मीटर है, बैटरी लाइफ 17 घंटे, चार्जिंग का टाइम 2 घंटे, इंस्टेंट कनेक्शन के लिए गूगल फास्ट पेयर, 13mm डायनेमिक बेस बूस्ट ड्राइवर दिया गया है, इंटेलिजेंट टच कंट्रोल दिया गया है, 17 घंटे टोटल प्लेबैक टाइम है, सुपर लो लेटेंसी गेमिंग मोड है, यानी कि गेमिंग मोड सुपर लो लेटेंसी गेमिंग मोड का मतलब ये है कि जब आप कोई गेम खेलते हैं उस समय जैसे सामने वाला कोई विलन है अगर आपको शूट करता है गोली से, तो उसकी जो गोलियों की जो आवाज़ है आपको थोड़ा लेट सुनाई देती है, लेकिन इस ईयरबड्स को यूज करने के बाद वो आपको तुरंत सुनाई देगी, यानी कि नैनो सेकंड का भी फर्क नहीं आने वाला। इसके अलावा 17 आवर्स का टोटल प्लेबैक टाइम दिया गया है, और इसका जो वेट है वो है 4.1 ग्राम, यानी कि लाइट वेट है, और ईयरबड्स डिजाइन काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। Realme Link ऐप द्वारा भी इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसको 3 तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब इसके बॉक्स में देख लेते हैं और क्या क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगा इसे कनेक्ट कैसे करना है। तो यहाँ पर चलते हैं बॉक्स के अंदर, इसको उठा लेते हैं, और यहाँ पर इसके जो कुछ पेपर वर्क है वो यहाँ पर दिया गया है, टिप्स है किस तरीके से टच कंट्रोल यूज करना है, डिस्प्ले बैटरी वगैरह टिप्स वगैरह, पेयर कैसे करना है, फैक्ट्री रीसेट। इसको कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे जो ईयरबड्स हैं उसमें दिक्कतें ये होती है कि एक स्पीकर में वॉल्यूम कम हो जाता है आगे चल के, और एक में आवाज़ तेज आने लगती है, वॉल्यूम अप हो जाता है। तो आप इसको वापस से रीसेट करने के बाद, क्योंकि ईयरबड्स ज़्यादातर रीसेट नहीं होते, लेकिन इसमें रीसेट का फीचर दिया गया है, आप इसे रीसेट करने के बाद वापस से उसी मोड में ला सकते हैं जैसे कि आपका ये नया आया था। तो इनको हटा देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बॉक्स के अंदर देख लेते हैं और क्या है। यहाँ पर एक चार्जिंग के लिए डाटा केबल दी गई है जो काफ़ी छोटी है, और इसके अलावा यहाँ पर स्मार्ट गाइड दी गई है Realme Buds Air Neo की, जिससे आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसे यूज करना है। तो इसे हटा देते हैं, और यहाँ पर जो इसके 3 तरीके हैं कनेक्ट करने के वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं। तो सबसे पहला जो तरीका वो आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक बटन दिया गया है, इसको आप 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे तो यहाँ पर ग्रीन कलर की एक इंडिकेटर ब्लिंक होगा, और उसके बाद आप अपने मोबाइल में जाके ब्लूटूथ द्वारा इसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको सेलेक्ट करना होगा Realme Air Buds Neo। और इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप इसके ढक्कन को इस तरीके से कवर करेंगे तो यहाँ पर जो ग्रीन इंडिकेटर है ऑटोमेटिक जल जाएगा। अब आप डायरेक्ट जाके इसको कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ से अपने मोबाइल में जाने के बाद। इसके अलावा इसका एक एप्लीकेशन है, वो भी आप डाउनलोड करने के बाद प्ले स्टोर से, उसके जरिए भी आप इसे आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसे आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जाना है, और यहाँ से
ब्लूटूथ पे जाना है, ब्लूटूथ ऑन करना है और यहाँ से इस बॉक्स को ऑन कर देना है। तो जैसे ही आप ऑन करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे इस डिवाइस का जो नाम है सर्चिंग में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आ गया है Realme Buds Air Neo, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आ रहा है पेयरिंग के लिए और ये कर देते हैं हम पेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है Realme Buds Air Neo कनेक्टेड। तो अब इसका जो म्यूजिक वगैरह है और इसकी जो टेस्टिंग है बाकी तो जो भी चीज़ इस पर डिटेल्स मेंशन कर रखी है वो सारी हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रूवॉल्स के जरिए आपको बताएंगे। तो इंतजार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। तो आशा करता हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जाते जाते लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल ट्रू फॉल्स रिव्यूज पे नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें जिससे कि हमारे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रू फॉल्स रिव्यूज़।